नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा मेन एग्जामिनेशन 2021 के अंतर्गत BA, BSc, BCOM, BCA, BBA, BF पार्ट थर्ड एंड BFA पार्ट फोर्थ के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में जारी दिशा निर्देशों के संदर्भ में एवं विभिन्न महत्वपूर्ण तिथियों के संदर्भ में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एग्जामिनेशन दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एग्जाम फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। दिए गए ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। एग्जाम फॉर्म 2021 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन फॉर मेन एग्जाम फॉर पार्ट थर्ड 2021 दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। 15 मार्च 2021 अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक सूचना। मुख्य परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा मुख्य परीक्षा 2021 के लिए दिनांक 16/3/2021 16 मार्च 2021 से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरवाए जाने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा आवेदन पत्र छात्र छात्रा द्वारा स्वयं अपने सिस्टम अथवा ई मित्र के माध्यम से भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय किसी प्रकार की कठिनाई आने पर मोबाइल नंबर पर प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा या नामांकन आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार है। परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात तत्काल समस्त दस्तावेजों सहित संबंधित महाविद्यालय में जमा करावें। आवेदन पत्र संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं होने पर परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। तो यह स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थी को परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात तत्काल समस्त जो दस्तावेज हैं के साथ संबंधित जिस महाविद्यालय में वे अध्ययनरत हैं या परीक्षा फॉर्म में जिस महाविद्यालय का जिक्र किया गया है उस महाविद्यालय में जमा करावें। आवेदन पत्र संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं होने पर परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। तो हमें इस लाइन का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जो छात्र किसी कारणवश विश्वविद्यालय परीक्षा 2020 में सम्मिलित नहीं हुए, उनका परीक्षा आवेदन पत्र पूर्व में परीक्षा 2018 या 2019 के रोल नंबर से ही खुलेगा। इसके अतिरिक्त किसी कारणवश परीक्षा फॉर्म नहीं खुलने पर अपनी अंतिम परीक्षा की अंक तालिका सहित प्रार्थना पत्र दिए गए ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इस ईमेल एड्रेस पर हम ईमेल आईडी पर प्रेषित करें। जिन छात्रों का पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र विश्वविद्यालय अध्यादेश 157A(15) के अनुसार मुख्य परीक्षा 2020 के परिणाम के अनुसार जिस कक्षा के लिए पात्र है उस कक्षा के लिए निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि इनका परिणाम परिवर्तित होता है, फेल से EFPS, EFPTT या पूरक, तो इनके द्वारा भरे गए आवेदन पत्र को अगली उच्च कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। परीक्षा आरंभ होने की तिथि से 3 दिवस पूर्व तक आवेदन पत्र अगली कक्षा में परिवर्तन नहीं होने पर संबंधित महाविद्यालय से प्रवेश या अनुमति पत्र में परिवर्तन करावें। किसी विद्यार्थी
द्वारा त्रुटिवश गलत श्रेणी नियमित या पूर्व या स्वयंपाठी में परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने पर वेबसाइट पर दिए गए विकल्प पर प्रोसीड कर वांछित शुल्क ऑनलाइन जमा करवाकर उचित श्रेणी में ऑनलाइन पत्र परिवर्तित किया जा सकता है। श्रेणी परिवर्तन उपरांत परीक्षा फॉर्म का रीप्रिंट लेकर बिंदु संख्या सेकंड 9 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधी समस्त जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर एवं संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा 2021 के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क निम्नानुसार रहेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट थर्ड, यहाँ स्पष्ट किया गया है पार्ट थर्ड, रेगुलर एक्स स्टूडेंट ₹800, नॉन कॉलेजिएट ₹1150 एंड ड्यू पेपर होने पर पेपर ₹450। बीसीए, बीबीए, बीएफए पार्ट थर्ड एंड बीएफ पार्ट फोर, रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट्स के लिए यहाँ ₹1400 और ड्यू पेपर होने की स्थिति में ₹450 निर्धारित किए गए हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी फीस, खेलकूद गतिविधि शुल्क ₹70, स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ओनली ₹70, प्रोपोज्ड फी इन इज इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट ₹100 फॉर फाइनल ईयर पार्ट थर्ड एंड सेकेंड, एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी एंड प्रोफेशनल कोर्सेस डिप्लोमाज। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार रहेगी। नेम ऑफ द क्लास, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट थर्ड, रेगुलर एक्स एंड नॉन कॉलेजिएट, बीबीए, बीसीए पार्ट थर्ड एंड बीएफए पार्ट फोर, रेगुलर एंड एक्स स्टूडेंट। 16 मार्च 2021 से 17 मार्च 2021 तक विदाउट लेट फीस ₹100 लेट फीस सहित 28 मार्च 2021 से 3 अप्रैल 2021 तक डबल लेट फीस के साथ में हम 4 अप्रैल 2021 से 10 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने संबंधी यहाँ मुख्य जो चरण है दिए गए हैं। सर्वप्रथम हमें विश्वविद्यालय की जो अधिकृत वेबसाइट है उस पर उपस्थित होना होगा। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। इसके पश्चात एग्ज़ाम फॉर्म 2021 को हमें सेलेक्ट करना होगा। विश्वविद्यालय में पूर्व नामांकित रेगुलर या एक्स छात्र संबंधित कक्षा का चयन करने के पश्चात प्रोसीड कर गत वर्ष दी गई मुख्य परीक्षा 2020 का अनुक्रमांक रोल नंबर एंटर करें। रोल नंबर एंटर करने के पश्चात सिस्टम पर उपलब्ध आवेदन पत्र में डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस इत्यादि प्रविष्टियां अंकित करें। अन्य तथा नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ व हस्ताक्षर अपलोड करें। पूर्व में उत्तीर्ण कक्षा या कक्षाओं की अंक तालिका की फोटो प्रतियां परीक्षा आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें। सुनिश्चित करें कि पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अपरिवर्तनीय रहे। आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियां अंकित करने अथवा उपलब्ध विकल्पों का चयन करने के उपरांत प्रोसीड फॉर फीस बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियां अंकित करने अथवा उपलब्ध विकल्पों का चयन करने के उपरांत प्रोसीड फॉर फीस पर बटन पर क्लिक करें। सिस्टम पर उपलब्ध आवेदन पत्र की प्रविष्टियों की जांच करने के पश्चात मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करें। ई मित्र के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र भरने पर निर्धारित शुल्क ई मित्र के माध्यम से ही जमा होगा। निर्धारित शुल्क जमा होने के पश्चात 3 प्रतियों में आवेदन पत्र प्रिंट कर 2 प्रति महाविद्यालय,
एवं विश्वविद्यालय कॉपी समस्त दस्तावेजों के साथ निर्धारित अवधि में संबंधित महाविद्यालय में जमा करावें। आवेदन पत्र की स्टूडेंट प्रति अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अपने पास सुरक्षित रखें। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अब बात करेंगे हम ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें अप्लाई फॉर एग्ज़ाम फॉर्म 2020-21 पर क्लिक करना होगा। रीप्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म, अप्लाई फॉर कैटेगरी करेक्शन, अप्लाई फॉर सब्जेक्ट चेंज, एनसी पार्ट फर्स्ट या फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स ओनली, अप्लाई फॉर एग्ज़ाम फॉर्म 2020 से 2021 पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐसे छात्र छात्रा जो कि स्नातकोत्तर परीक्षा 2020 में सम्मिलित नहीं हुए हैं अथवा जिनका आवेदन फॉर्म स्नातकोत्तर परीक्षा 2020 का रोल नंबर लिखने पर भी नहीं खुल रहा है, तो ऐसे छात्र छात्रा फ्रेश फॉर्म बटन पर क्लिक करके अपना स्नातकोत्तर परीक्षा 2021 का आवेदन फॉर्म भरें। सर्वप्रथम हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, उसके पश्चात सेलेक्ट अंडर ग्रेजुएट, पीजी, प्रोफेशनल, क्लास, फैकल्टी टाइप, इसके पश्चात एग्ज़ाम फॉर्म, न्यू स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म पर 2021 पर हमें क्लिक करना होगा। स्टूडेंट फेल्ड इन एग्ज़ाम 2020 पर भी क्लिक करके आवेदन किया जा सकता है। सेलेक्ट करेंगे जिसमें कैटेगरी यहाँ पर रेगुलर एनसी एक्स स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी अंडर ग्रेजुएट, पीजी, प्रोफेशनल, तो हम यहाँ देख सकते हैं पीजी के फिलहाल आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं बीकॉम, तो बीकॉम में अभी फिलहाल पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ है। जैसे ही थर्ड की प्रारंभ होगी यहाँ पर थर्ड का ऑप्शन भी आ जाएगा। थर्ड पर ऑप्शन पर क्लिक करके हम न्यू स्टूडेंट एग्ज़ाम 2021 पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो फेल्ड हैं वे स्टूडेंट फेल्ड इन एग्ज़ाम 2020 पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है इसके संदर्भ में भी हमने पूर्व में वीडियो बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार किया जा सकता है के संदर्भ में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए MGSE व्हाट्सएप ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करें। इसी के साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया जा सकता है ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।